लिटरली वी आर जस्ट यू नो गेटिंग स्टैमर्स टू रीच डाउन. कुत्रे मराठी बोलना. हेलो गाइस, व्हाट्स अप. तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक विद अनदर न्यू व्लॉग. एंड दिस टाइम आई एंड भूषण अभी मजा आएगा ना भिड़ो. वो मुझे ज्वाइन होने वाला है नाला सुपर, वो मुझे मिलेगा. दैट वी आर गोइंग समवेयर अनदर प्लेस विच यू गाइस वांट टू लाइक इट. उसको कैसे मैं रिवील नहीं करूंगा, जगह पे जाएंगे तभी बात करेंगे. तो फिलहाल के लिए अभी भूषण को पहले से जाके मिलेंगे. बाय. फाइनली वी रीच टू दी नाला सुपारा. अब यहाँ से अभी हम लोग को पकड़ना है बस. एंड फाइनली लुक हूज हियर विद मी. कैसे राइट नाउ वी आर कम्प्लीटली एंड टोटली हंग्री. खाने का सबसे पहले देखेंगे मींस अ ब्रेकफास्ट एंड कड़ा वाली चाय. एंड देन आफ्टर वी गाइस गोना टॉक टू माय. ट्रेन पकड़ के आप जब नाला सुपारा वेस्ट में आप आते हो तो आप लोग को इतना बड़ा बस डिपो दिखेगा, जहाँ पे आप लोग को ये प्लॉट 3 यहाँ से आप लोग को खास करके बसें मिलती रहेगी. So guys, here we reach Tungareshwar Fata. अब यहाँ से हम लोग को यही रास्ता पकड़ के सीधा जाना है. Now we are just halfway there. आधे रास्ते पे आ गए. अभी जस्ट मैंने एक रिक्शा वाले से पूछा तो ही टोल्ड मी कि भाई मंदिर थोड़ी दूरी पे है. Once we reach the Tungareshwar Temple and then after we'll head it towards the धबधबा. मराठी मंडळी पण जब आगत असेल तर प्लीज बघा आणि होऊ शकेल तर चॅनलला जास्तीत जास्त शेअर पण करा आणि नक्कीच करा. ओके, नाउ द ट्रॅकिंग हॅज बीन जस्ट स्टार्टेड. सो भाई लिटरली वी आर जस्ट यू नो गेटिंग स्टॅमर्स टू रीच डाउन. आता बस आम्ही ऑलमोस्ट पोहोचणार आहे. आता वर्ड पण ट्रॅक काय तर मग आम्ही चाललोय. हिंडले कर, तू थकलायस? नाही भरपूर जायचं. आता मग थकणार पण. सो गाईज, या वी आर अबाउट टू गेटिंग रिअली स्टार्टेड. We are in the middle of a green dense forest and अभी तक फिलहाल हम लोग जो शुरुआती जो एंट्रेंस गेट आप लोग ने देखा वहाँ से हम लोग सिर्फ 300 meters झाले असेल, है ना. आणि आता जे फर्स्ट स्पॉट येणार आहे तो मंदिर येईल. यहाँ पे रिक्शा वाले भी है. हाँ गाइस, अगर आप लोग को कभी सफर जाकर रिक्शा से जाना है तो यू गाइस गो एंड टेक द ऑटो रिक्शा टू. बहुत अभी मंदिर साइड के एरिया पे अभी आप लोग रास्ता खुला आप लोग देख रहे होंगे. बारिश में दरअसल जो रास्ते काफ़ी चिपचिप और काफ़ी मड से कवर्ड होते हैं. दैट इज द रीजन इट्स टू डिफिकल्ट फॉर यू टू गाइस टू हैव ऑटो रिक्शा टू. मंदिर का डिस्टेंस अगर मैंने गूगल मैप पे चेक किया था लास्ट टाइम इट वॉज शोइंग मी दैट 2.5 किलोमीटर, मतलब 2.2 किलोमीटर. उसके बाद धबधबा का 1.5 किलोमीटर और है. ये 1.2 किलोमीटर्स भी लगता है हम लोग को ना काफ़ी ज़्यादा हो गया है. पर ये एक्चुअली ना स्टीप चढ़ाया है आणि चढ़ता चढ़ता आम्हाला वाटतं घाम सुटलं आहे. आता आम्ही लोकांनी एकच वस्तू एक्सपेक्ट केली, ती आहे पाऊस पडायला पाहिजे. पण आता पाऊस पण आम्हाला ऐकत नाही आहे. आम्ही लोक पूर्ण तयारी करून आलो आहे. ॲक्च्युली वी हॅव ब्रॉट 2 रेन सूट्स, बट उसका यूज करणे मिळेल अभि आणि क्या मालूम नाही भेटणार. खरंच वाटतं नाही की भेटणार आहे बाबा. पण आता चलो देखते आगे और कितनी देर में हम लोग पहुंचते. बट लिटरली हैव टू से. और हाँ गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक बात याद रखो, आपका कोई भी फोन होने दो, यहाँ पे नेटवर्क के बहुत इश्यू है, बहुत लफड़े है, बहुत दूर दूर तक टावर्स नहीं है. एंड अनदर थिंग, अगर आप लोग बारिश के मंथ में यहाँ पे आ रहे हो तो प्लीज 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 खास करके स्टर्ट से कोई तो भी अच्छे ग्रिपिंग वाले जूते पहनना, वरना आप लोग की धजिया उड़ जाएगी जैसे अभी हमारी उड़ रही है. और एक बार एक बात, हमेशा पानी की बोतल अपने साथ कैरी करके घूमो. भावन नो है, लिटरली स्कैम है. 1.2 किलोमीटर ना है, इट इज 2.1 किलोमीटर है. और इतनी चढ़ान है कि बाबा पूछो मत. बट पीछे देखो, आगे भी देखो, साइड में देखो, मतलब हम लोग कैसे अभी पहाड़ की चढ़ान पर है. एक्चुअल में मंदिर का दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं होगा. तू बोर्ड सांगितलं ना चित्र बनवलं बरोबर. फाइनली इतनी देर की मशक्कत करने के बाद वी सॉ समथिंग अ नेम कॉल्ड अ होटल एल्कन से. और गाइस, चैनल को हैक कर लिया मैंने. हाँ ये कर लो पहले. चैनल को अब मेरा हो गया, समझ लो मेरा ही हो गया. ए, नालायक इकड़े इकड़े. सो गाइस, एज आई हैव सेड यूजुअल, फाइनली वी स्टॉप ऑन अ
वन कैन टेक बिकॉज वी आर चाइल्ड लवर्स एंड यू नो दैट अपना जो भी था हमारा टेबल ना पड़ा काय अरे ए मारो इसको पोचलो अरे हां बाबा पोचलो आता हे बघा चहा आली आमची आता मी पिऊ मग पुढे सफर मध्ये पुढे बोलू बंद कर सो गाइस राइट नाउ वी आर इनसाइड द मंदिरस का प्रीमाइसेस देयर वाज अ कैंटीन एंड वी आस्क्ड हिम तो व्यक्ती बोलला की तुम्ही लोक वर धबधबा बघायसाठी जाऊ नाही शकत कारण धबधबाला कंटिन्युअस 10 दिवसाचे पाऊस लागे समज जाओ जुलाइ के एंड तक जो वाटरफॉल जो कंप्लीट वाटरफॉल तो वो जो स्टार्ट हो जाता दिस इज वर्स्ट थिंग राइट नाउ के स्टेप्स है चढ़ने का थोड़ा रिस्की है बट विल डू इट अब हुआ ये दरअसल अब हम लोग को पहनने पड़ेगी नीचे का ऊपर का सूट पहन के अभी हम लोग आगे नहीं जा सकते नीचे भी पहनना पड़ेगा हम लोग को तो अभी हम लोग चेंज कर दें फिर आगे बात करते गाइस अभी समहाउ वी हैव टेकन अ माइक लिटिल बिट चांस क्योंकि लेना जरूरी है बिकॉज मंदिर तक है दैट वुडंट बी मच मोर सफिशियंट फॉर अस हा चांस घेतलाच पाहिजे होता म्हणून आता आम्ही लोक पुढे वळत आहे आम्ही मंदिराला खूप मागे सोडला होता आणि आम्ही लोक रेनसूट घातला बघा खालून ते वर कसं दिसतं ते है ना जोकर है ना इंड तरी जाऊन पुढे बघू की काय बघण्याला की सारखं आहे की नाही आणि तुम्हालाही दाखवू पण सध्या सीन बघा खूप खूप चांगलं दृश्य आहे इकडे हा बघा आमचा हा पाठचा रस्ता जिकडून आम्ही आलो एंड यहाँ पे वो मंदिर का जहाँ पे हम लोग ने जहाँ पे चेंज किया वो रेस्ट रूम मेरे भाषा में कह सकते हैं ये रहा भूषण एंड हियर इट इज़ अनदर मंदिर आई डोंट नो विच इट इज बट लुक्स डिफरेंट देयर हैज बीन अ ह्यूज स्कैम हैज बीन डन विद अस अभी तो मंदिर के रास्ते में सीधा ऊपर जा रहे थे ये एक्चुअली ना मंदिर का ही रास्ता था जहाँ पर हम लोग कैंटीन के पास रुके तो वहाँ पे दो रास्ते थे अभी एक्चुअल में पहली बात ये बता दूँ यहाँ पर बहुत तेज़ी से बारिश होने लगी है बट वी आर कम्प्लीटली सेफ नाउ वी कांट बी गेट आवर सेल्फ बैक भीग तो नहीं सकते वी आर कम्प्लीटली ड्राई नाउ अब अंदर से भी बाहर से भी हाँ तो जहाँ पे जो कैंटीन का रास्ता था वहाँ पे दो रास्ते थे एक यहाँ पे मंदिर के पास आने का एंड दूसरा वाटरफॉल के पास जाने का तो हम लोग वाटरफॉल के जो रास्ता था वहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे मतलब ज़्यादा आगे नहीं थोड़ा ही रास्ते पे जाएंगे ओके गाइस सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द वाटरफॉल बट द थिंग इज दैट ये थोड़ा ऐसा थोड़ा काइंड ऑफ बिट रिस्की बिलीवेबल भूषण काय बात यार वाह एक नंबर ओ माय गॉड इट इज प्रवेश बंद लुक एट दैट देयर इज समथिंग रिटन इट्स बीन SGNP दिस इज कॉल्ड संजय गांधी नेशनल पार्क का एरिया है नाउ वी आर थिंकिंग टू गो अहेड और नॉट फाइनली हमारा सफर यही पे होता है आप खत्म वी ट्राइड अवर बेस्ट टू गो अहेड बट इससे आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि प्रवेश निषेध है और आप लोग को 25,000 तक का फाइन लग सकता है और वो भी संजय गांधी नेशनल पार्क की जो अथॉरिटी उन लोगों ने सख्त मना किया आगे जाने के लिए वो अलाउ करेंगे ऐसा है सेड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग हमेशा वीडियो को लाइक करो व्लॉग को शेयर करो आणि जेवढे पण नवीन व्यूअर्स आहेत नवीन सब्सक्राइबर्स आहेत माझे जे पण येणार आहेत असे तर प्लीज जास्तीत जास्त सब्सक्राइब करा लोकांना व्हिडिओ शेअर करा जर आवडला असेल तर डेफिनेटली लाईक तर तुम्ही मारच मारा आणि वील गोना ट्राय अवर बेस्ट टू ब्रिंग अ न्यू व्लॉग एज सून एज पॉसिबल थँक्यू सो मच अगेन सी यू बाय बाय इन द नेक्स्ट व्लॉग